भाई आप सब ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी ध्यान से। जैसा कि भाई सचिन कह रहा है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से तो मैं लूंगा, भाई उसने पुलिस के वहां से फोन क्यों करवाया मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो सचिन मेरे को देखो, मैं अपने विचार रख रही हूँ, ठीक है, ये वीडियो किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, मैं अपने विचार रख रही हूँ। तो सब तो बड़ी तो वही गलती सचिन की है, ठीक है, क्योंकि नेहा तो अकेली औरत थी, है ठीक है, वो तो अकेली, तो नेहा तो अकेली है और अकेली थी, तो भाई उसमें इसमें हम उसका कोई दोष नहीं बता सकते क्योंकि अकेला बंदा होता है भाई। लेकिन सचिन तेरे पास तो तेरी बीवी पर सब कुछ था, तू क्यों उसकी बातों में आया, ठीक है। सबसे पहले तो यही सवाल है, तेरे पास एक अच्छी सुंदर बीवी थी फिर भी तू क्यों उसके पीछे गया। उसका तो मान लिया भाई हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं भाई, अकेली औरत थी तो वही है, ठीक है। और दूसरी बात, किसी भी लेडीज की तू अगर उससे सच्चा प्यार भी करता था, उसके साथ सच्चे दिल से मतलब रहा है, कुछ भी लगा ले ची भाई बन के, तो तेरे को उसकी इज्जत को ऐसे सरेआम नहीं उछालना था, ठीक है। एक औरत की, उसके बेटी भी है, उसकी इज्जत को सरेआम नहीं उछालना था जो तूने किया। तेरे को आखिर दर्द अब क्यों हो रहा है कि उसकी शादी हो रही है, ठीक है, ऊपर से तूने सुमित से बात की, तो वो भी सबसे बड़ी गलती मैं मानती हूँ, ठीक है। मतलब उस भाई तेरे पास तो सब कुछ था, तू कोई छोटा बच्चा तो था नहीं दूध पीता कि तेरे को बात तुम्हें बुला फसला लिया, तेरे को तो सब पता था, ठीक है। तू क्यों, वो तो अकेली औरत थी, तेरे को ये भी पता था आगे चलकर ये रिश्ता नहीं चलेगा क्योंकि तेरे पास तो तेरी बीवी थी, फिर तू क्यों उसकी बातों में गया। और रही बात मनीषा की, तो उसके लिए भी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है भाई, कि जब मनीषा को ये चीज़ें पता थी नेहा और इनका बीच में, शक लगा लो कुछ भी लगा लो, तो वो क्यों सचिन को लेकर उसके हर फंक्शन में जाती थी। कोई भी आप नेहा की वीडियो उठाकर देख लेना, हर वीडियो में मनीषा उसके हर फंक्शन में थी। जब ये लग रहा था भाई इन दोनों के बीच में कुछ है, तो क्यों सचिन को लेकर नेहा के घर जाती थी भाई, ठीक है, मना कर देती, नहीं भाई नहीं जाना। और एक पत्नी, वो क्या कर रही ना, पत्नी का हाथ में पति काबू में रहा कर रहे है, तो तेरे हाथ में सचिन क्यों नहीं था, क्योंकि वो कैसे भी ब्लैक में कुछ भी करके पति को अपने वश में करना एक औरत के हाथ में होता है। लेकिन फिर तूने क्यों नहीं कर पाई, तू क्यों इसको लेके जाती थी, तूने ही तो सबसे बढ़ावा दिया हर फंक्शन में। तू चल ये तो जाता था, तू खुद मना कर देती मैं तो नहीं जाऊंगी भाई, मेरे को तो तुम दोनों की गलत लग रहे, तू बल्कि तू जा रही है हर शॉर्ट्स वीडियो में, तुम तीनों की वीडियो है, तू क्यों फिर उसके साथ वीडियो बनवाती थी। तू भी इतनी छोटी बच्ची तो नहीं थी कि तेरे को डरा धमका के वीडियो बनवाते थे, ठीक है। और मतलब गलती हुई है, दोनों तरफ से हुई है, जरूरी नहीं है कि भाई नेहा ही इसमें गलत है, नेहा गलत नहीं, क्योंकि वो तो एक अकेली औरत थी, ठीक है, उसका दिल तो भाई पिघल गया होगा, अट्रैक्शन वो होता है ना कि। लेकिन सचिन को सब कुछ पता था, तेरा परिवार है, तेरी बीवी है, फिर भी क्यों उसकी बातों में उसके पीछे, ये तो मना कर सकता था भाई, मारे भी आदमी है, मारे आदमी है, दोरा कोई मैसेज भी कर लेना, करके दिखा दो ना, दिखा उल्टा जवाब दे देंगे। फिर सचिन ने क्यों नहीं दिया, सचिन ने उस टाइम क्यों नहीं बोला कि मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है भाई, मेरी बीबी है, मेरा परिवार है, ठीक है, सचिन उस टाइम क्यों नहीं बोला। आज ये सचिन बोल रहा है जब नेहा की सगाई हो गई, तो इसका मतलब तो इसको दिक्कत हुई। उस टाइम सचिन तो बोल सकता था, चलो मनीषा तो नहीं, लेकिन सचिन तो उसको आपस में बोल सकता था, भाई नेहा दीदी अगर ये तो मेरे पास फोन मत कर, मेरी बीवी है, मेरा परिवार है, सब कुछ है मेरे पास, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ। कहीं ना कहीं सचिन के भी तो मन में था ना। और सबसे बड़ी गलती तो सचिन की ही है, एक विधवा औरत को जिसका पति नहीं है, वो अकेली है, उसको उसने फंसाया। और क्यों मनीषा उसको हर फंक्शन में लेके जाती थी सचिन को,
कहीं जाना हो, बाहर जाना हो, वीडियो बनानी हो तो क्यों उसके साथ वीडियो बनाती थी? अगर जब मनीषा को ये लग रहा था कि ये चीज़ें गलत हैं, उस टाइम पे अपने पति को अपने कंट्रोल में रखती, अपने घर पे रखती भाई, कि नहीं नहीं जाना ऐसी जगह, नहीं जाना नहीं जाना, जी लड़ाई करके रखा हो ना उस टाइम पे। अब तुम आ गए एक औरत की जब शादी होने वाली है, और सचिन अब तो तेरे पास तो सब कुछ है, तेरी बीवी भी है, परिवार सब कुछ है, लेकिन नेहा के पास क्या है, क्या बचा है? उसकी तो इज्जत ही तुम लोगों ने उछाल दी एक अकेली औरत की। उसकी तो अभी शादी भी बेचारी की वही बात है, क्या पता भाई, तेरे पास तो सब कुछ है, उसके पास क्या बचा है अब? क्या एक लेडीज को अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या एक लेडीज को ऐसे बदनाम करना शर्म, क्या सही है? अगर तूने सच्चा प्यार किया होता तो ये सब नहीं करता, ये सब तेरा ड्रामा था कि आगे चलकर नेहा की शादी होगी या सगाई होगी उस टाइम पे मैं ये करूँगा, ये तुम्हारा स्टार्टिंग से ही ये प्लान था, तभी तुम इतने साल 1.5 साल से तभी मनीषा और सचिन चुप थे। मतलब क्या कर रहे हो? और मैं तो ये कहूंगी कि अब YouTube को भी कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से दूसरों के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है भाई, ठीक है? परिवार, बच्चे सब देखते हैं वीडियो, ये गंदगी यहाँ पे मत फैलाओ।